अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नेक्स्ट एप्लीकेशन में, और ये एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स डिटरमाइंड बाय देयर स्प्लिटिंग पावर। समझे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड्स हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ को उनकी स्प्लिटिंग पावर के बेस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। जो लिगेंड्स जितनी इजी गोइंग मेटल आयन के पास पहुंच जाते हैं उनकी उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग पावर होती है, और जो इजीली मेटल आयन के पास नहीं पहुंच पाते उनकी स्प्लिटिंग पावर कम होती है। इस तरह से जो लिगेंड्स जितनी स्ट्रॉन्ग या कहें कि जितनी लार्ज डिग्री का स्प्लिटिंग पावर रखते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाते हैं, और जिनकी स्प्लिटिंग पावर स्मॉल डिग्री की होती है वो वीक लिगेंड्स कहलाते हैं। और इस तरह से जो लिगेंड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाए, कहाँ से लो स्प्लिटिंग पावर से हाई स्प्लिटिंग पावर तक, तो एक सीरीज बन जाती है। उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स डिटरमाइंड बाय देयर स्प्लिटिंग पावर, ग्रेटर द ईज विद विच द लिगेंड्स कैन अप्रोच द मेटल आयन द ग्रेटर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझ गए बच्चों कि मेटल आयन जितने मेटल आयन के पास लिगेंड जितने इजी गोइंग पहुंचेगा उसकी उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग पावर होगी। समझ गए ना, द लिगेंड्स विच अफेक्ट ओनली स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर टर्म्ड एज वीक लिगेंड्स। समझ गए बच्चों, ऐसे लिगेंड्स जिनकी स्मॉल डिग्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है सीधा सा है वो क्या है, वीक लिगेंड, ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स, और जिनकी लार्ज डिग्री में स्प्लिटिंग पावर होती है वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सीधा सा है, जिन लिगेंड्स की स्प्लिटिंग पावर लो है स्मॉल डिग्री की है वो वीक लिगेंड्स, और जिन लिगेंड्स की स्प्लिटिंग पावर लार्ज डिग्री की है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आगे क्या है कि व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द अरेंजमेंट दस ऑप्टन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं तो यही है कि लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग पावर अरेंज किया जाए तो एक सीरीज बन जाती है, उस सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही लिखा है कि व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द अरेंजमेंट दस ऑप्टन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी हम बना के देखते हैं। ओके, तो समझ गए बच्चों कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स की विपाटन क्षमता का निर्धारण करना है या उनकी जो क्षेत्र सामर्थ्यता है उसका निर्धारण करना है तो लिगेंड्स की विपाटन क्षमता का निर्धारण कर लें, और उसी के बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक लिगेंड है। जो लिगेंड जितनी आसानी से धातु आयन के पास पहुंचता है उतना ही अधिक विपाटन क्षमता रखता है, और लिगेंड जितना ज्यादा विपाटन क्षमता रखेगा उतना ही क्या होगा, क्षेत्र सामर्थ्य का उतनी ही अधिक स्ट्रॉन्ग पावर वाला होगा। लिगेंड द्वारा यदि विपाटन निम्न कोटि का होता है तो इसे हम बोलते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और जब उच्च कोटि का विपाटन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। सीधा सा है, जिसकी विपाटन क्षमता ज्यादा वो प्रबल लिगेंड, जिसकी विपाटन क्षमता कम वो दुर्बल लिगेंड, और इसी के बेस पर इन लिगेंड्स को अरेंज किया गया इनकी विपाटन क्षमता के आधार पर, तो जो श्रेणी बनी वही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप इसको पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उस थ्योरी के बेस पर जो लिगेंड्स हैं उनकी स्प्लिटिंग पावर को डिटरमाइन किया गया, और उनकी स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये जो सीरीज बनी हुई है
इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम यहां देखें तो आयोडाइड माइनस हैलोजन से लेके और H2O तक ये जो लिगेंड्स हैं, समझ गए ना, ये इनकी स्प्लिटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। H2O से पहले जितने लिगेंड्स आते हैं ये सब कहलाते हैं बच्चों क्या, वीक लिगेंड्स, यानी को बोलते हैं वीक फील्ड, ठीक है, लिगेंड्स। और H2O के बाद यहां से और जितने भी इधर अंदर, और मैंने तो कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स लिखे हैं, जितने लिगेंड्स आते हैं वो सब कहलाते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, या उन्हीं को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। H2O ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। जैसे कोबाल्ट 2 प्लस है तो वहां पर H2O एक वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है। अगर ठीक है कोबाल्ट 3 प्लस है तो वही H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करता है, समझ गए ना। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, मेटल आयन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो लिगेंड को उतना ही अंदर की तरफ खींचता है और उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है। और जब स्प्लिटिंग हाई डिग्री की हो जाए, लार्ज डिग्री की हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो H2O से पहले सारे वीक लिगेंड्स हैं, इसके बाद कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा D2SP3, ठीक है, इस तरह का, या फिर अगर 4 है तो ये होम सॉरी यहां पर जो लिगेंड्स मिलेगा वो मिलेगा आपको SP3D2, या अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो SP3 का मिलता है। और इस तरह स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जाओगे तो आप देखोगे D2SP3 या DSP2 टाइप का मिलेगा। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये लिगेंड्स हैं तो मेटल आयन के साथ ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ गए और वहां पर मेटल आयन के पास सफिशिएंट वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे क्या मिलेगा, d2sp3 या dsp2। अब देखो मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, इस सीरीज के बेस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। एक CFSC की वैल्यू, तो ध्यान रखें कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को उतना ज्यादा स्प्लिट करेगा और ऐसे में CFSC की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। ओके, मतलब जितना ज्यादा स्प्लिटिंग पावर उतनी ही उसकी जो CFSC है उसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और इस तरह से वो CFSC की लार्ज नेगेटिव वैल्यू आपको दिखेगी। जैसे आप देखोगे Fe6 के साथ और FeCl6 के साथ आप CFSC कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मैंने कलर में भी बताया था आपको, कलर नेचर में, कि जो वेवलेंथ कॉम्प्लेक्स द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है या जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट्री कलर के फॉर्म में बाहर आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी डी ऑर्बिटल की और वहां पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, समझ गए ना बच्चों, वो जो जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी लाइट उतना ही डार्क कलर आएगा और उतनी ही छोटी वेवलेंथ होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का वो वीक से स्ट्रॉन्ग तक बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि यहां पर अगर वीक लिगेंड है तो कैसी वेवलेंथ बड़ी आएगी और रेसिप्रोकल कम होगा, लेकिन अगर आप आगे की तरफ चलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ तो यही रेसिप्रोकल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी की वेव एब्जॉर्ब होगी तो ऐसे में वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड एब्जॉर्प्शन कलर की वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर की भी आपसे पूछ लेना, यहां पर ध्यान रखें कि अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की भी वेवलेंथ पूछी है तो रेसिप्रोकल में समझना है आपको कि स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ तो छोटी भी हो जाए। अब आता है स्टेबिलिटी, आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है कि जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है या कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेव नंबर, उनकी एनर्जी, ये सब इसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। डार्कनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एब्जॉर्प्शन कलर, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। तो देखो, एक CFSC की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर या एब्जॉर्प्शन कलर की डार्कनेस बढ़ती,
बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा लिगेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन वेव या कॉम्प्लीमेंट्री वेव ये भी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ती है। इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है या कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो वेवलेंथ है उतनी ही छोटी होती जाएगी, मींस इसका रेसिप्रोकल बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही काम के हैं जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर आपको डिटरमाइन करने होते हैं। ओके, अब ये सीरीज को देख के अब मैं यहां बता दूं कि जो आप देख रहे हैं कि वीक लिगेंड्स हैं उनमें आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन्स हैं, समझ गए ना, हैलोजन्स सबसे वीकेस्ट जो है लिगेंड्स हैं, उससे थोड़ा पावरफुल होते हैं ऑक्सीजन के, जहां पर ऑक्सीजन डोनर होता है उनसे ज्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन जहां डोनर होता है, और उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है जहां कार्बन डोनर होता है। आप देख लो यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहां से देखें कि डोनर नेचर, तो सी डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे वीक होता है नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और फिर हैलोजन डोनर। समझिए बच्चों कि इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लिगेंड किस ऑर्डर में आएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान है कि सबसे वीक जो लिगेंड होते हैं वो हैलोजन वाले होते हैं जहां पर हैलोजन डोनर होता है, थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑक्सीजन वाले, जितना ज्यादा ठीक है फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन। तो सीधा सा है कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ऐसा ध्यान रखना है लिगेंड, या हम कहें कि जो स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ठीक है, डोनर एटम। इतना सा ध्यान रखना है, जितना वीक, ठीक है, या हम कहें जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम की उसकी फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि कार्बन जहां डोनर है, सल्फर डोनर है, फॉस्फोरस डोनर है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, और जहां हैलोजन या ऑक्सीजन डोनर है वो वीक है। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है इलेक्ट्रॉन्स में तो ऑटोमेटिक है कि लोन पेयर इजी गोइंग किया जाएगा, एक चीज। दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर, छोटा साइज का एटम हो तो भी अच्छा डोनर है। आप देखो सबसे वीकेस्ट है आयोडाइड, और इन हैलोजेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग है फ्लोराइड, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। रीजन ये है कि ये छोटा साइज का है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये छोटा होने के कारण मेटल आयन तक बहुत इजी गोइंग पहुंच जाता है। आयोडाइड बड़ी साइज का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, बट इसकी साइज इतनी बड़ी है कि इसका क्लाउड बहुत आसानी से नहीं दिया जाता और वो मेटल आयन से दूर हटता है, समझ गए ना। और यही रीजन है कि वो वीक हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग पावर है, समझ गए बच्चों, स्प्लिटिंग जो पावर है, स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिसिटी, जितना ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, जितना अच्छा लोन पेयर डोनर होगा उतना अच्छा लिगेंड होगा। तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक ही मेटल आयन की और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है और ये लिगेंड्स दिए गए हैं, आपसे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया गया हो, या फिर इनकी सीएफएससी का ऑर्डर पूछा गया हो, इनकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है, या वेव जो एब्जॉर्प्शन वेव है उसकी वेवलेंथ पूछ ली गई हो, या फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई हो, या डार्कनेस कलर पूछ लिया गया हो। तो मैंने जो आपको बताया है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता जाएगा ये सारी वैल्यूज बढ़ती जाएगी। ओके, तो देखो यहां पर फ्लोराइड है, यहां H2O है, यहां NO2 है, और यहां CN है। अगर आप इनकी फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, समझ गए ना, तो फील्ड स्ट्रेंथ में फ्लोराइड इससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है बच्चों? H2O की। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? NO2 की। और इससे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है? साइनाइड की। ये ऑर्डर दिख रहा है, तो इसी ऑर्डर में आप देखोगे कि स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्सेस की बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात की गई है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। अगर सीएफएससी की नेगेटिव वैल्यू पूछी गई है कि नेगेटिव वैल्यू,
तो ये जो है CFSE की negative value increasing order में आएगी, means ये सब किसको बताते हैं, increasing order को। ऐसे ही absorption wave की जो wavelength है उसका reciprocal देखोगे बढ़ेगा, मतलब ये decrease होती जाएगी तो reciprocal बढ़ता जाएगा, मतलब जितना strong ligand उसमें absorption wave की जो wavelength है उतनी कम होती जाएगी। complementary color जो भी directly proportional है तो ये relation उसके लिए आएगा। frequency की बात करें तो इंक्रीज होती जाएगी, डार्कनेस की बात करें तो इस तरह से इंक्रीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही इसके एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर लिगेंड्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहचान गए तो बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका CFSE ज्यादा है। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको CFSE का ऑर्डर बताना होता है लिगेंड्स दे रखे होते हैं। तो देखो, पहला तो ये है कि हमें फैक्टर अफेक्टिंग CFSE की बतानी है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया कि जितना ज्यादा स्प्लिटिंग पावर उतनी ही ज्यादा CFSE। तो पहला पॉइंट ये है कि इतना सा ध्यान रखना है CFSE की जो नेगेटिव वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड्स या फील्ड स्ट्रेंथ। हम ये कह सकते हैं कि फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आपको फील्ड स्ट्रेंथ ध्यान रखना है लिगेंड की, जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा CFSE का वैल्यू। जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, H2O से ज्यादा, अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा हो गया, NO2- NO2- CN- CN से माइनस, अगर आप CO चले, इस तरह से आप देखते हैं CFSE इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। दूसरा होता है साइज ऑफ लिगेंड्स। अगर आपको लिगेंड्स की साइज बता दी गई हो और फिर CFSE पूछ ली गई है तो ध्यान रखें CFSE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ लिगेंड्स। यही ऑर्डर दिख रहा है, आयोडाइड सबसे बड़ा है तो सबसे कम CFSE, फिर इस तरह से साइज जितना छोटा होता जाएगा लिगेंड का मेटल आयन के पास पहुंचना उतना ही इजी होगा और उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। अब यहां ध्यान रखना है कि CFSE की जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, सब में हमें नेगेटिव वैल्यू देखनी है, तो CFSE की जो वैल्यू है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है, ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दिए गए हैं आपको तो ध्यान रखें CFSE की वैल्यू T2G इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में होंगे उतनी ही ज्यादा CFSE आएगी। देखो अगर आप ये रखेंगे, आप यहां जानते हैं कि CFSE इक्वल टू -4 इनटू x प्लस 6 इनटू y, ठीक है, dq। यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल। तो सीधा सा है कि यहां पर अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक x की वैल्यू पहुंचती है तो CFSE की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो d1, d2, d3, d4, d5, d6 अगर ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में दिए गए हैं तो ध्यान रखना CFSE की नेगेटिव वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 और x जैसे जैसे बढ़ेगा नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर वीक लिगेंड की बात की गई तो वीक लिगेंड में ध्यान रखना है कि d1 से d2 d3 तक ही चेंज होगी, बढ़ेगी उसके बाद डिक्रीज होगी, फिर आगे बढ़ेगी कहां से, d5 तक, तो फिर d6 d7 यहां तक बढ़ेगी और d8 तक फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जबकि इनमें पहले D6 तक सीधा सीधा इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जा हो टेट्राहाइड्रल के लिए, ठीक है, CFSE की वैल्यू आपको, तो आप जानते हैं कि CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हम यह कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ई ऑर्बिटल्स, मतलब यहां पर जैसे कि आप जानते हैं D1 हो, D2 हो, D3 हो और D4 हो, यहां तक समझ गए ना, तो यहां पर CFSE इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि E नीचे और T2G ऊपर जाता है तो ये इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि जो टेट्रा
टेट्राहेड्रल लिगेंड्स होते हैं बच्चों, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, तो D1 और D2 यहां तक तो ये इंक्रीज होगी, D3, D4 और D5 तक डिक्रीज होगी, फिर D6, D7 तक फिर इंक्रीज होगी, D8, D9 और D10 फिर डिक्रीज होगी। तो ये इसके लिए होगा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसी का जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर होता है, ज्योमेट्री के बारे में भी होता है, तो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ज्योमेट्री, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये ध्यान रखना है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस बेस पर भी आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जो आपने देखा था कि जो ऑक्टाहेड्रल है या हम डेल्टा ओ, ठीक है, और तीन होते हैं ये, डेल्टा टी, डेल्टा ओ और डेल्टा एस पी, तो आपने देखा था कि जो डेल्टा एस पी है वो 1.3 डेल्टा ओ होती है, जो डेल्टा टी है वो कितना है 0.45 डेल्टा ओ। तो सबसे ज्यादा कौन सी है बच्चों, डेल्टा एस पी, ओके, फिर उससे कम है डेल्टा ओ और उससे कम है कौन सी, डेल्टा टी। तो ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है CFSE की वैल्यू। तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, उससे कम ऑक्टाहेड्रल, उससे कम टेट्राहेड्रल। इस तरह से क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लैनर में पहले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जैसी स्प्लिटिंग होती है और फिर और आगे स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यही रीजन है कि ये बढ़ जाती है। यहां तक बात समझ गए होगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि जो CFSE है, ठीक है, फिर आता है ट्रांजिशन सीरीज, ओके, तो ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप देखें कि जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें फर्स्ट सीरीज जो है, ठीक है, इससे ज्यादा होती है कौन सी, सेकंड सीरीज में, और सेकंड सीरीज से ज्यादा होती है क्या, थर्ड सीरीज में। किसकी वैल्यू है ये, CFSE की नेगेटिव वैल्यू। मतलब ये कहें कि जो सेकेंड सीरीज है बच्चों, ठीक है, इसकी जो CFSE है ये लगभग क्या होती है, 50% हायर देन फर्स्ट सीरीज, समझ गए ना, फर्स्ट सीरीज की जितनी होती है उससे लगभग 50% ज्यादा है सेकेंड सीरीज की, और अगर आप थर्ड सीरीज में जाओगे तो CFSE लगभग 25% हायर देन सेकंड सीरीज, समझ गए ना, कि जो सेकंड सीरीज है उसमें CFSE, हम इस तरह से कह सकते हैं, समझ गए ना, कि यहां पर अगर ये है इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना है, मान लो CO CN होल 6, या हम इसमें किसी एक सीरीज के मेंबर को ले ले कि यहां पर CO CN होल 6 3 माइनस, ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, RH CN होल 6 3 माइनस, और फिर आ जाए हम इरिडियम CN होल 6 3 माइनस, ये एक ही मेंबर के बन, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इस तरह से बढ़ेगी वैल्यू, समझ गए ना, CFSE की वैल्यू इस ऑर्डर में चेंज होती जाती है, इसे आप नोट करें। यहां तक बात समझ गए होगे, तो ट्रांजिशन सीरीज का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये इस तरह से बढ़ती जाएगी, सी एन से ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, हर एक सीरीज में सब होगा। फिर और कोई फैक्टर बचता है जिस पर CFSE डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो है पॉजिटिव या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ध्यान रखें मेटल आयन, तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जितना ज्यादा मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ही ज्यादा होगी, जैसे हम ये कहें कि Fe2+ से ज्यादा Fe3+, इस तरह से। ध्यान रखें कि Bt2g में अगर इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब ये, और यहाँ हम ये कहें Fe1 और इससे ज्यादा Fe2, इस तरह से ये चल जाएगा।
कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा सीएफएसी बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से सीएफएसी फैक्टेड होती है। तो बिल्कुल शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, देखो इन सारे फैक्टर्स के बेस पर आपको सीधा समझ में आ गया कि सीएफएसई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड, ये हो गया, यहां तक बात समझ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2z ऑर्बिटल्स, ये समझ गए। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज ऑफ, ठीक है, मेटल आयन, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और इसके अलावा और क्या देखा आपने, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन हो गया, स्प्लिटिंग पावर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, और इसी तरह से है, और वन अपॉन इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ लिगेंड्स। इसके अलावा यहां पर ऐसे रखे हैं बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स, ओके, ये है, तो बेसिसिटी भी ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इन पॉइंट्स के बेस पर आप कॉम्प्लेक्स में जो है वो बता सकते हैं कि साइज ऑफ लिगेंड। इसके अलावा आपने देखा है कि ठीक है क्वांटम नंबर ऑफ मैटर वैलेंसीज है, जो उसकी आपको मैंने बताया सीरीज में क्वांटम नंबर, जैसे जैसे बढ़ेगा वैलेंसी सेल का तो अभी सीएफएसी बढ़ता है। तो ये है सीएफएसी की फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब इसके क्या क्या और इम्पोर्टेंस हैं, वो तो हम इसकी स्टूस में आ जाएंगे। तो यहां तक अच्छी तरह से समझ गए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, उसके मैंने एप्लीकेशंस बता दिए, यहां तक नहीं।